To tell you frankly, when we gave out this request that we'll have a multilingual poetry competition, Indian language poetry competition, many requests came from other faculty members that are foreign languages also. Anuradha wrote to me that, well, why not foreign languages as well? And Vice Chancellor also wrote, saying that I also speak Spanish. Indication मुझे मिल गया था कि VC साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शैलेश सर के 15 मिनट में कितना हो सकता है ये मुझे पता नहीं था, तो मतलब मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि इनको लिखूं कि नहीं आपको स्लॉट नहीं दिया जा सकता, आप जानते हैं VC से ऐसा कहना, लेकिन आज सुबह खतरनाक है, लेकिन आज सुबह जब इनॉग्रेशन फंक्शन खत्म हो गया था और सर मिले तब मुझे लगा कि नहीं कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा, सो आई सेड सॉरी सर वी कुड नॉट अकोमोडेट इट, द टाइम वाज सो शॉर्ट. तो इनके चेहरे पे जो मैंने एक मायूसी और निराशा देखी तो मुझे लगा कि ये वाइस चांसलर नहीं है, ये वो शख्स हैं जो 25 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में आए थे कुछ उम्मीदें लेके, और कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी ऐसी जो वो उस वक्त कहना चाहते होंगे जो नहीं कह पाए थे. सो देन आई डिसाइडेड ऑन द स्पॉट कि नहीं वाइस चांसलर साहब को मौका मिलना चाहिए. सो हियर इज प्रोफेसर वरुण साहनी. अंग्रेजी भी जो है वो भारतीय भाषा है, ये हमेशा याद रखिएगा. तो पहली कविता जो है वो अंग्रेजी की. ब्रीज देयर अ मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड दिस इज माय ओन माय नेटिव लैंड हुज हार्ट हैड नेवर विद इन हिम टर्नड एज होम हिज फुटस्टेप्स ही हैड टर्नड from wandering on a foreign strand. Mishra ji abhi jo hain Croatia se wapas aaye hain. Isliye ki woh jo hai nazar hai. From wandering on a foreign strand. If such there breeds, mark him well. For him no minstrel raptures swell. High though his titles, proud his name, boundless his wealth his wish can claim. Despite all these titles, power and wealth, that wretch, concentered all in self, shall living forfeit fair renown, and doubly dying shall go down to the dust from whence he sprung, unwept, unhonored, and unsung. तो मैं कवि नहीं हूँ, पर कविता से प्रेम है, और ये जो कविता भी सुनाई इसका शीर्षक है पेट्रियटिज्म यानी देश प्रेम, और रचित किया था इस कविता को दो सदी पहले सर वॉल्टर स्कॉट ने. तो देश प्रेम जो है वो जैसे मैं जो है आयु बढ़ती जा रही है मुझे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि देश प्रेम जो है ये बहुत ही आवश्यक है. जिस धरती से आदमी पले, जो इंसान पले, उस धरती के साथ जो है हमेशा जुड़ाव होना चाहिए. तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत सुंदर कविता है मातृ मंदिर, लंबी कविता है, उसके पहली कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ. भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ सबका आदर सबका स्वागत सबका सम सम्मान यहाँ और राम रहीम दुखी साकार आपकी इच्छा भी पूरी होगी मिश्रा जी हिंदी में कुछ सुना दिया. तो हमारा देश जो है भारतवर्ष जो है ये एक तरह से सब देश जो हैं उनकी अपनी खूबियत होती है पर भारत की इसकी संस्कृति की इसकी सभ्यता की कुछ अलग ही बात है. और अलामा इकबाल हैं उनका जिक्र आज सुबह भी जो है प्रोफेसर तलत अहमद ने किया था अपने भाषण में
तो अलामा इकबाल लिखते हैं, वो भी लंबी कविता है, उसकी चंद पंक्तियां। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, फिर भी अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। There's something about India, eternal India, Sanatan India, the ability to survive and to bring more cultures in, to become richer and richer. It's a very deeply unique quality about our country. Today, seeing all the wonderful performances, such talent, such gift that there is in Goa, and in Goa University, it's really something that we need to cherish. So let me end up with another Indian poet who wrote in Bengali but also translated his works in many languages, Gurudev Rabindranath Tagore. And I think you all know this, so you can recite it with me if you remember the words. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken down into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way in the dreary desert sands of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Thank you very much.